कैमरे मॉड्यूल के आसपास और ये जो फ्रेम वाले डिज़ाइन दिए गए उसके आसपास बहुत सारे यहाँ पे बबल्स बने हुए हैं। अगेन गाइस, आई एम नॉट श्योर कि कंपनी ने यहाँ पे GG5 यूज़ किया नहीं किया गया। वाओ, सडनली इस फ़ोन की ब्राइटनेस कैसे कम हो गई, वहाँ तक फायर पहुँच ही नहीं पाई थी। अब ट्राई करते हैं, लेट्स प्रे फॉर द पॉजिटिव, यहाँ पे कोई इश्यूज ना हो। ये फोन तो गाइस आपको डेफिनेटली याद होगा ही, द इन्फिनिक्स GT10 Pro, वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोन निकल गया था व्हेन इट कम्स टू द ड्रॉप टेस्ट, बिकॉज हमने इसको चंद्रयान 3 तक फेंका था, उसके बाद भी फोन समहाउ वर्किंग था और प्रॉपरली यूजेबल कंडीशन था। बट एटलीस्ट इन द लास्ट में जब फिनाले ड्रॉप हुआ तब ये फोन फाइनली डेड हुआ। बट स्टिल मदरबोर्ड सारी चीज़ें होकर आपको जस्ट डिस्प्ले चेंज कराना है पर ये फोन परफेक्टली फिर से काम करने लगेगा, सुपर सॉलिड। अनदर फोन इन्फिनिक्स से लॉन्च किया है वो है 030, ये भी काफ़ी कमाल का फोन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, लाइक अंडर 25K वन ऑफ द बेस्ट 5G फोन आप मान सकते हैं। बट एज यू नो गाइस, जब स्पेक्स ज़्यादा दिए जाते हैं तो ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइजेस बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेटेस्ट प्रूफ आपने देख लिया IQ Z7 Pro, लेट्स फाइंड आउट क्या इस फोन के साथ भी ऐसे ही कोई दुर्घटना घटती कि नहीं घटती है। Why not हम Nothing Phone 2 के क्लिफ टाइमर को यूज़ करें। And here's a phone, the Infinix 030, perfectly working condition में है। Let's drop it in the same pool। यहाँ पे approximately 50 liters of water है, exactly same जितना कि IQ Z7 Pro के टाइम पे था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। And here is the for thumbnail। Around 5 मिनट का हम वेट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं आती है। Infinix के फोन भी ऑन द अदर हैंड बजट साइड में काफ़ी सॉलिड निकल के आते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिक्विड में। भले ही पानी अंदर चला जाए लेकिन फोन प्रॉपरली वर्क करता रहता है। आई गेस आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि वाटर में आपको थोड़े से बबल्स दिखाई पड़ रहे होंगे, एंड इवन आपने क्लोजअप में भी देखा इस कैमरे मॉड्यूल के आसपास और ये जो फ्रेम वाले डिज़ाइन दिया गया है उसके आसपास बहुत सारे यहाँ पे बबल्स बने हुए पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली फ़ोन के अंदर काफ़ी लिक्विड जा चुका है, लेट्स प्रे फॉर द पॉजिटिव कि यहाँ पे कोई इशूज़ ना हो। एंड ऑफकोर्स टाइमर भी पूरा हो चुका है, नथिंग फोन ने भी आवाज़ लगा दी है ऑन दिस साइलेंट मोड में। ऑफकोर्स सिम ट्री के इनसाइड में लिक्विड आपको दिखना चाहिए बिकॉज हमें कैमरे मॉड्यूल में काफ़ी लिक्विड दिखाई पड़ा था, और ऐसे कैन सी यहाँ पे छोटा सा एयर ड्रॉप ऑलरेडी इस गैसकेट के इनसाइड में है, दैट मींस यहाँ पे डेफिनेटली लिक्विड काफ़ी ज़्यादा अंदर होना चाहिए। लेट्स शेक इट, एंड जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड इनसाइड है फ़ोन के अंदर में, क्वाइट पॉसिबल बट एज ऑफ नाउ फोन तो प्रॉपरली वर्किंग है। Let's take few photos. Wow, suddenly इस फोन की ब्राइटनेस कैसे कम हो गई। मैं तो डर सक गया एक मोमेंट के लिए। क्या आप में से कोई इस मॉड्यूलर हेडफोन को पहचानता है? सभी कैमरे सेंसर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं बट स्टिल लिक्विड डैमेज इंस्टेंटली नज़र आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। स्टे ट्यून ऑन माई सोशल मीडिया नेटवर्क्स, इन केस कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और आई थिंक प्रॉब्लम ऑलरेडी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्फी कैमरे में क्लियरली मॉइस्चर नज़र आ रहा है, दैट्स व्हाई मुझे इनिशियली लगा था कि सेल्फी थोड़ी सी फॉगी है। लेट्स वेट एंड वॉच, मे बी आफ्टर 24 आवर शायद यहाँ पे इश्यूज फिक्स हो जाए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द बैक पैनल, ये कुछ नया डिज़ाइन नहीं है, आपने सेम तरह का डिज़ाइन पहले भी कई फ़ोन में देखा है जैसे कि Realme 11 Pro Plus, Motorola Edge 40 और उससे पहले भी बहुत सारे फ़ोन वीगन लेदर के आ चुके हैं, स्पेशली फ्रॉम द Realme लाइक द Realme 8 Pro Plus, Realme GT, GT Master Edition, आई मीन देयर आर टन्स ऑफ फोन, बट ये जो दो फ़ोन हैं Realme 11 Pro Plus एंड Edge 40 ये थोड़े से लेटेस्ट में हैं। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम होना चाहिए विद द पेंट जॉब। 22,000 में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। ऑन द टॉप यहाँ पे भी वीवो का स्टाइल फॉलो किया गया है इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी, यहाँ पे पावर्ड बाय इन्फिनिक्स लिखा गया है। आई डोंट नो इन्फिनिक्स पावर्ड बाय इन्फिनिक्स, व्हाट डज इट मीन, ऑफ कोर्स इन्फिनिक्स ब्रांड है तो इन्फिनिक्स पावर्ड ही होगा,
really not sure. On the top, यहाँ पे speaker है and एक छोटा सा यहाँ पे noise cancellation mic है. In the bottom, of course, no headphone jack. ये GT series का phone नहीं है. बस GT series में of course यहाँ पे आपको headphone jack मिलता है. यहाँ पे नहीं मिलेगा. Again, speaker जो कि काफ़ी loud है but not the very best quality. Loudness थोड़ी सी कम करनी चाहिए and quality थोड़ी सी improve करनी चाहिए. बटन्स यहाँ पे मेटल के बने हैं. दैट्स अ टिपिकल रियल मी ओप्पो डिज़ाइन. यहाँ पे वो चीज़ फॉलो की गई है. क्या बटन्स बाहर आते हैं? नोप. काफ़ी टाइटली फिक्स किए गए हैं. अनफॉर्चुनेटली लाइक दिस सैमसंग एस ट्री अल्ट्रा जहाँ पे बटन बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहे थे. बट स्टिल दैट फोन इज़ वाटर प्रूफ. बैक पैनल पे आने से पहले इस आइकॉनिक कैमरे फ्रेम को चेक किया जाए. एंड अनदर पार्ट आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ विद द केस. लाइक रिसेंटली आपने IQ Z7 Pro में देखा था. वहाँ पे केस का डिज़ाइन काफ़ी पुअर था. फुल कटआउट था जिससे ऑफकोर्स आपके इस कैमरे मॉड्यूल पे हाउसिंग पे स्क्रेचेस लग सकते थे. यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर किया गया है. जस्ट द ग्लास पार्ट ही ओपन है. आई थिंक इन्फिनिक्स को ये भी क्लोज कर देना चाहिए. व्हाट्स रॉन्ग? बिकॉज यहाँ पे आसानी से स्क्रैच लग जा रहा है. सीम्स लाइक दिस दी प्लास्टिक. एंड ये कम्प्लीटली प्लास्टिक है. अगर ये मेटल होता तो ऑफकोर्स फोन का वेट काफ़ी ज़्यादा हो सकता था. ऐसे रीज़न यहाँ पे केस में थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया गया है. होपफुली ये एल्युमिनियम होना चाहिए. Yes, with the paint job, gold paint job, and ये जो smaller module है ये भी of course metal का ही होगा. And clearly यहाँ पे भी एक Oppo style, Vivo style circular ring LED flash दिया गया है. And ये जो 4 screws type का design दिया गया है ये metal का है. ring leather test करते हैं कि यहाँ की क्या कहानी. और यहाँ पे बहुत सारे permanent से deep cut पड़ सकते हैं. एंड यहाँ पे भी inside में आप देख सकते हैं ढेर सारे ऐसे ग्रीन चंक्स बाहर आ रहे हैं. सो सर्टेनली ये डिज़ाइन दिखने में तो अच्छा लगता है बट इसके भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही पुअर कॉन्स हैं. कंपनी डेफिनेटली फ़ोन को 1 से 2 साल तक ही सपोर्ट करती है. इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी सर्टेनली इसको डिनाई कर देगी. और आप स्लोली ऐसे इस वीकन लेदर को पील करके बाहर निकाल सकते हैं. इसका डिज़ाइन एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे कि IQ के फ़ोन में था. यहाँ पे भी काफ़ी स्लिम सा था और साइड फैब्रिक था. Realme के केस में क्या था कि यहाँ पे जो वीगन लेदर था वो थोड़ा सा टफ ज़्यादा था ऐसा मुझे फील हुआ. बट इन्फिनिक्स के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है. यानी कि अगर आपके फ़ोन में से कोई शार्प डेंट लग जाता है तो वहाँ से ऐसा वीगन लेदर धीरे धीरे बाहर निकल सकता है. तो आपको इस चीज़ से बच के रखना होगा. इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फ़ोन में केस लगाएं. इन केस आपका फ़ोन एक्सट्रीम हीट या फायर या किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये वीगन लेदर कैसे रिएक्ट करता है वो भी चेक करते हैं. Realme के केस में वीगन लेदर आपने देखा था कि थोड़ा सा जल सा गया था और वो हिस्सा वहाँ पे एक चिपक सा गया है और कभी भी बाहर नहीं आएगा. यहाँ की क्या कहानी है वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं. हल्का सा हीट लगने पे ये पैनल की प्लास्टिक पेंट है ये तुरंत बाहर आने लगा. और वीगन लेदर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा था क्योंकि वहाँ तक फायर पहुँच ही नहीं पाई थी. अब ट्राई करते हैं. जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा सा फायर लगते ही वीगन लेदर यहाँ पे पिघल सा गया है और अपनी जगह से छूट भी गया है. तो आप वीगन लेदर को क्लियरली ऐसे भी छुड़ा सकते हैं. ज़्यादा आपको ब्लेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस मटेरियल. ज़्यादा हीट होने पे भी ये सर्टेनली फायर जैसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. बी केयरफुल. इनकेस आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वीगन लेदर पे कुछ ऐसे परमानेंट सा मार्क लग जाता है लाइक मे बी फ्रॉम एनी मटेरियल तो क्या वो छूटता है कि नहीं छूटता है. लाइक हमने सबसे पहले Realme 11 Pro Plus में ट्राई किया था. यहाँ पे जो ग्रीन था वो भी हल्का सा लेस विजिबल हो गया है. आई मीन फेड और छूटता जा रहा है. किंग भी छूट गया है. लेकिन ये जो शाहरुख लिखा है ये एक्चुअली में इनसाइड के फैब्रिक पे लिखा है. यहाँ से वीगन लेदर निकल चुका है. दैट्स द रीज़न वो नहीं छूट रहा है. और इवन IQ Z7 Pro पे हमने ट्राई किया था तो यहाँ पे भी सेम कहानी थी. यहाँ पे भी धीरे धीरे छूटता जा रहा है. अब यहाँ पे भी मैं सेम सिग्नेचर बनाता हूँ और इसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको फिलहाल अगले यूजेबिलिटी टेस्ट में देखना पड़ेगा जिस भी फ़ोन में ऐसा वीगन लेदर आ जाएगा. सो मेक श्योर आप चैनल पे बने रहिएगा. मैं ये ज़ीरो निकालना भूल गया था. क्या ये यहाँ से प्रिंट है कि इनसाइड है? ऑफकोर्स ये बाहर से ही प्रिंट होगा. और ये ज़ीरो भी विद टाइम ऑफकोर्स निकल जाना चाहिए. ज़्यादा यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज यहाँ पर बैटरी होती है. सो क्लियरली ये एक्सप्लोर कर सकती है. बट स्टिल ये ज़ीरो बाहर से ऐसे प्रिंट किया गया है तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं. आई थिंक कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि यहाँ पे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है. और अगर GG5 होता है तो उसका आप स्क्रैच का पैटर्न जानते हैं.
लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, 6 माइनर और 7 पे डीपर होते चले जाते हैं। बट यहाँ पे हम पैटर्न देखें थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेवल 2 एंड 3 पे ऑफ कोर्स कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, बट लेवल 4 5 पे भी यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स फाइन ही लाइन है, लेकिन 6 एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स सॉफ्टर मेटल ऑब्जेक्ट अगर वो थोड़े से शार्प क्यों ना हो, जैसे कि स्टेनलेस स्टील अगर वो शार्प है तो वो भी आपके डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैचेस बना सकता है। अगेन गाइस, आई एम नॉट श्योर कि कंपनी ने यहाँ पे GG5 यूज़ किया नहीं किया गया, बट कंपनी ने ऐसा क्लेम तो किया है। स्टिल बॉक्स में आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है जो कि आपको डे वन पे ही लगा लेना चाहिए। मे बी यहाँ पे भी कुछ कंप्रोमाइज़ दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग को ये चीज़ वेरीफाई करके बतानी चाहिए कि डेफिनेटली यहाँ पे GG5 ही यूज़ किया गया है। Time for the burn test. Let's find out, just like the back panel, ये display extreme heat और fire के against में कैसे react करता है। Approximately 10 to 11 second लगे यहाँ पे pixels को burn होने में, but fortunately pixels burn होके वापस आ गए हैं। Unlike the IQ Jetson Pro जहाँ पे pixels just in 8 second ने permanently burn हो गए थे। आई मीन मैं IQ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फोन एग्जैक्टली इस फोन की सेम प्राइस पर ही है। जाने को तो हम महंगी नथिंग फोन 2 और iPhone एंड गैलेक्सी पे भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ बर्न में तो ठीक है, बट स्क्रैचेस में थोड़े से इशूज़ यहाँ पर लग रही हैं। एट द लास्ट टाइम फॉर द बेन टेस्ट गाइस, आफ्टर इन्फिनिक्स GT10 Pro मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा हूँ। इवन दो फोन में स्लाइड बिट ऑफ फ्लैक्स है, पर GT10 Pro सर्टेनली बैंड में नहीं फेल होता, हम जितना भी चाहे उसको बैंड कर लें। आपने टेस्ट तो देखा ही होगा, बस फाइंड आउट इस फोन के साथ क्या होता है, क्या ये फोन बैंड टेस्ट में पास होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बैंड करते हैं इन 3, 2, 1। बहुत माइनर सा फ्लैक्स आया फोन ने, बट ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आया इस फोन में। लेट्स सी क्या यहाँ पे हम पिंग पोंग प्ले कर सकते हैं। आई डाउट इट कि यहाँ पे पिंग पोंग प्ले कर सकते हैं। नोप, इट्स रियली टफ। लेट्स ट्राई फॉर द रियर साइड इन 3, 2, 1। इससे कहीं कम प्रेशर लगाने पे IQ Jetson Pro आसानी से टूट गया था। इवन विद द 8 फिंगर प्रेशर यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फोन में यस कुछ फ्लॉज हैं जो अवॉइड किए सकते हैं अगर आप फोन में प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज़ करें, जैसे कि ऑलवेज केस और स्क्रीन पर डेफिनेटली टेम्पर ग्लास, बिकॉज बैंड में कोई इश्यूज़ नहीं है। वो ज़्यादा मेजर कंसर्न होता है फॉर एनी स्मार्टफोन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर आप कुछ भी एक्सीडेंट आपके फोन के साथ हो गया तो टाटा बाय बाय। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ, सी यू द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। हैव अ ग्रेट डे।